SIPs में इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और SIPs में इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करते हैं तो इस वीडियो को पहले कंप्लीटली देख लेना। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहां पर मैंने आपको बताया है कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना है, किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए SIPs से। लेकिन यहां पर भी कुछ कैटेगरीज के लोग ऐसे होते हैं जिनको SIPs में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो आखिर उस कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए म्यूचुअल फंड की SIP में, ये जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो पर्सपेक्टिव होते हैं। सबसे पहला लॉजिक और दूसरा है इमोशन। हम लोग पहले इन दोनों चीजों से सोचते हैं, उसके बाद ही किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेसिकली लॉजिक क्या कहता है कि हम लोगों को किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और स्पेशली इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इक्विटीज में अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न लोग कमाते भी हैं। लेकिन इमोशन जो है वो इसका अपोजिट है। इमोशन ये सोचता है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं और लॉन्ग टर्म में मेरी इन्वेस्टमेंट की जो वेल्थ है तो रिटर्न है वो नेगेटिव हो गए और मेरे प्रिंसिपल का लॉस हो गया तो क्या होगा। तो इसी के चक्कर में यहां पर इन्वेस्टमेंट कहां करना है इसको डिसाइड करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और इसी की वजह से यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको इन्वेस्टमेंट करना कहां पर है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, या डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छे रिटर्न देता है। देखो, सिंपली समझने वाली बात यहां पर यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका गोल सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म का है, तभी आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि जनरली मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 15-22% के रिटर्न कमा सकते हो, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हो, 20 साल के लिए, 10 साल के लिए या 15 साल के लिए। क्योंकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स म्यूचुअल फंड के एग्जांपल को लेकर बात करूं तो यहां पर मार्केट में जितनी वोलेटिलिटी आती है, जितने चेंजेस होते हैं, उतना स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर नीचे जाता है, और इसी के साथ साथ सेंसेक्स और निफ्टी भी अप डाउन होते रहते हैं। तो इस चीज का इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर भी पड़ेगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आप अच्छे रिटर्न कमा सकते हो, और आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर हम लोगों को लॉन्ग टर्म के बाद ही देखना है, अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना है 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। लेकिन अगर आपकी आदत है कि आप छोटे छोटे इंटरवल पर 1-2 दिन में या रेगुलर बेसिस पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते हो तो आपको डेट म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहां पर मार्केट की फ्लक्चुएशन का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। और ऐसा यहां पर बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ही आपको डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डेट म्यूचुअल फंड को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे डेट म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जहां पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल मिलती है, और इसी के साथ साथ आपको काफी बार डिविडेंड्स भी मिलते हैं, काफी बार इंटरेस्ट भी मिलता है। तो आज के इस वीडियो को यहां पर मैं समराइज कर देता हूं कि मार्केट में 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। सबसे पहले लोग वो होते हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को डेली बेसिस पर ट्रैक करते हैं। अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को डेली बेसिस पर ट्रैक करते हो तो आपको इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इक्विटी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तब तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर मार्केट में कोई क्रैश आता है और उसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो पर कोई इंपैक्ट पड़ता है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो आप यहां पर बहुत ज्यादा पैनिक कर सकते हैं। और दूसरा, यहां पर वो लोग आते हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखते ही नहीं है, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो कर दी। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसी के साथ साथ इक्विटीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप डेट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। देखो, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम ही एप्लीकेबल होती है। ये सारी चीजें जो होती है वो हर एक चीज में अप्लाई होती है और हर जगह पर अप्लाई होती है, वेदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो इक्विटीज में, डेट्स में, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हो। ये चीजें हर एक जगह पर लागू होती है। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इसी के साथ साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।